हम रहे ना रहे देश की एकता और भाईचारा बना रहे, यह सोच और जज्बा आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में है। इसी जज्बे को प्रदर्शित करता है झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत जैना मोड़ का रहने वाला एक युवक, जिसके कदम 14 फरवरी 2023 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली तक बिना थके आगे बढ़ रहे हैं। 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात करने की इच्छा लिए यह युवक आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को ब्यावर पहुंचने पर मीडिया कर्मियों से उसने बातचीत की, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। युवक के अनुसार रास्ते में मिलने वाले लोगों से वे देश में आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील करते बढ़ते जा रहे हैं। उनकी वेशभूषा भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक सूत्र बांधने का संदेश देने वाली है। सिर पर टोपी, माथे पर तिलक, गले में सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह, टी शर्ट पर राष्ट्र तिरंगा की छाप, चेहरे पर मास्क, पीठ पर अपने वस्त्रों का बैग लिए दिल्ली की ओर कदम बढ़ाए जा रहा है। रास्ते में सभी धर्मों के लोग उन्हें अंग वस्त्र देकर तो तिलक लगाकर सम्मानित कर रहे हैं। ठहराव में कोई भोजन भी कराते हैं, तब वे सभी से एक ही अपील करते हैं कि आपसी भाईचारा बनाकर देश की एकता बरकरार रखे। मीडिया वालों या लोगों के पूछने पर भी ना तो वे अपना नाम बताते हैं, ना ही अपना धर्म और ना ही अपना चेहरा दिखाते हैं। वह कहते हैं, मैं एक भारतीय हूं, मुझे अपने नाम की प्रचार नहीं करनी है, हमारा उद्देश्य देश की एकता और अखंडता कायम रहे। इसी संदेश को देशवासियों के साथ साथ प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना है। गुमनाम इस युवक ने इतना ही कहा कि मेरे उद्देश्य को देश के कोने कोने तक पहुँचाए, यह मेरे साथ साथ आपकी देश सेवा भी होगी। जैसा कि आप लोग मेरा नाम और धर्म पूछ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो यात्रा है 140 करोड़ भारतीय के सम्मान में ये यात्रा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं भी एक धर्म से हूँ, लेकिन मेरा धर्म अभी जो है भारतीय है। सबसे पहला हम, मेरा जो धर्म है और मेरा क्या, हम सब का जो धर्म होना चाहिए हिंदुस्तानी होने का, भारतीय होने का। जब मुझे अपना धर्म निभाने का बात आएगा तो उस टाइम मैं धर्म के ऊपर बात करेगा, लेकिन अभी जो मेरा यात्रा है भारतीय संघ यात्रा है, 140 करोड़ हर भारतीय के सम्मान में यात्रा है। मेरा यात्रा करने का जो है उद्देश्य है कि इस मौजूदा सरकार में 8-9 सालों में जो हम हर एक एक भारतीय का सम्मान देश विदेशों में बढ़ा है, भारत के झंडे का जो गर्व जो बढ़ा है 10 गुना ज़्यादा, उसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद 140 करोड़ भारतीय के तरफ से। मेरी मांग दो है, पहला है कि ये सम्मान हमें आगे भी चाहिए, और दूसरा और आखिरी है कि हम जितने भी भारतीय हैं सिर्फ वोट के टाइम पे ही इम्पोर्टेंस क्यों है, तो हमारे सम्मान में भी एक नारा लगना चाहिए भारत माता की जय के बाद, जय भारत और जय भारतीय। जिस दिन ये नारा लग गया हर भारतीय के सम्मान में ये जो है नारा रहेगा, और जिस दिन लगा उस दिन लगेगा कि हर भारतीय को सम्मान मिलेगा, मिल रहा है। हमारे एक वोट से जब हर एक एक नेता को सुविधा मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है जिंदगी भर, तो हम वोटर लोगों को, हम भारतीय लोगों को सम्मान के रूप में क्या एक नारा भी नहीं लग सकता? तो इसीलिए मेरी मांग है कि हम हर भारतीय के सम्मान में एक नारा लगना चाहिए, जय भारत और जय भारतीय। मैं 14 फरवरी को मुंबई से निकला, दिल्ली जा रहा हूँ, मोदी जी से मिलने की इच्छा है। आप लोग अगर फिजिकल नहीं जुड़ सकते हैं मुझसे, डिजिटल जुड़िए, मैं सोशल मीडिया में आप लोगों में मिल जाऊँगा। द मोम वंदना करके है, द मोम वंदना करके, और मैं चाहता हूँ जितने मेरे भाई बंधु लोग हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग जो है मुझे इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं। लाल बजे घड़े लाल भला झूले लाल ओ लाल बजे लाल बजे घड़े लाल भला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवड़दा सखी शहबाज कलंदर टमाटम मस्त कलंदर लाल का पहला नंबर सखी शहबाज कलंदर ओ मस्त ओ मस्त कलंदर लाल मेरी हो लाल मेरी।